इसमें घड़ी के देखे हम यहाँ गेट पर खड़े हैं, फिर क्यों नहीं एंट्री करने की मेरे को बताइए थोड़ा। आप कुछ बुलाइए जो हम भी पूछो उनसे, देर बजे तक हम घड़ी के देखे हुए यहाँ खड़े हैं और फिर भी आपको एंट्री नहीं, एंट्री नहीं करने दी लोग। फाड़ेंगे हम लोग, पैसे देंगे, गेट हम लोग फाड़ के देंगे। अभी भी आप लोग साइड हटिए सर, आप लोग जब हम लोग गेट पर वाले तो साइड नहीं करेंगे, तो गेट फाड़ने दीजिए, अपने आप को आग लगा देंगे। एग्जाम नहीं देने देगा ये लोग तो, हाँ आग लगा देंगे, एग्जाम नहीं देने देगा ये लोग तो। टाइम लेट पहुंची थी, हम टाइम से आए थे, फिर भी नहीं घुसने, नहीं फिर भी नहीं घुसने दिए। मैडम एक मिनट आइए ना मैडम, सवाल का जवाब नहीं देंगी, अपना बात बस बोल के जाएंगी मैडम। अरे आके सवाल का जवाब दीजिए, आप आके सवाल का जवाब तो दीजिए। आपका आपका जब बर्बाद हुआ रहता ना, तब आपको मालूम चलता, आपकी कोई लड़की इसमें होती तब आपको मालूम चलता। नहीं पति ज्यादा फिर भी नहीं देगा, नहीं दे रहा रास्ते माने में कहीं हम लेट नहीं है ना, हम लेट नहीं है, नहीं नहीं लेट की बात नहीं बता रहे, और बच्चे कभी तो प्रॉब्लम लगी है, लड़की का बर्बाद हो गया, दो साल का लाइफ बर्बाद हो गया। हम लोग समय इस पहुँच बस एक दो मिनट के लिए नहीं जाने दे रही हूँ। आप लोग बात की अंदर, हाँ कोई नहीं खोल रहा है, नहीं आप भी महिला है मैडम, आप भी एग्जाम एग्जाम दी होंगी, रुक जाए आप लोग भी एग्जाम दी होंगी, थोड़ा सा समझना चाहिए। मानते हैं दो मिनट लेट हो गई है लोग, मानते हैं दो मिनट, लेकिन ये कोई बड़ा अपराधी तो नहीं है कि आप लोग घुसने नहीं दे रहे हैं दो मिनट के लिए। आप लोग कह रहे हैं अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, नहीं क्या बोला जा रहा है, बोले अलाउ नहीं है, गेट बंद हो गया, अब नहीं चालू होगा, गेट बंद हो गया, खुलेगा नहीं गेट। सर एक मिनट सुनिएगा, सर एक मिनट आइए हमसे एक मिनट बात कर लीजिए हमसे। अरे इन लोगों का दो साल का सर मेहनत बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों की लड़की जैसी है तो आइए एक बार सर एक मिनट यहाँ पे बात तो कर सकते हैं ना, कोई भी होगा तो। अधिकारी कौन है सर, कभी तो बुलाइए कि टाइम ओवर हो जाएगा तब इन लोगों को बिठा दीजिएगा। फिर ये तो आप लोगों का गलती होगा ना, ये लड़की आई है तो आप लोगों को खोलना चाहिए, आके बात करना चाहिए, आप लोग दस मिनट ऐसे ही चुपचाप रह जाएंगे तो आप लोगों का गलती होगा। देखिए इस विद्यालय का जो है कि हमेशा से शिकायत आता है, हर साल एग्जाम होता है तो संत मैरी जो ये विद्यालय है उच्च विद्यालय हमेशा शिकायत आता है, यहाँ पे लड़कियां बेहोश हो जाती है, मात्र एक दो मिनट लेट हो जाता है तो एक दो मिनट, मानते हैं भाई लेट नहीं होना चाहिए लेकिन एक दो मिनट लेट कहीं भी हो जाता है, कोई जाम में फंस जाएगा, कोई कहीं फंस जाएगा, तो इसका मतलब ये तो है ना कि दो साल का इन लोगों का मेहनत बर्बाद कर दिया जाएगा। और जब यहाँ पे ये लोग बुला रहे हैं, गेट खुलवा रहे हैं, कोई यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे, अब तो साल दो साल पीछे हो गई, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप घर पर बैठेंगे सर दो साल, दो साल घर पर बैठेंगे आप क्या करेंगे। अच्छा आप लोग को, अच्छा ये बताइए मैडम, मैडम रुकिए रुकिए हल्ला मत करिए, आप लोग आप भी महिला है मैडम, आप भी एग्जाम एग्जाम दी होंगी, रुकिए आप लोग भी एग्जाम दी होंगी, थोड़ा सा समझना चाहिए। मानते हैं दो मिनट लेट हो गई है लोग, मानते हैं दो मिनट, लेकिन ये कोई बड़ा अपराधी तो नहीं है कि आप लोग घुसने नहीं दे रहे हैं दो मिनट के लिए। हमारे मैडम तो कुछ इधर बोलिए ना मैडम, कुछ तो बोलिए, प्रिंसिपल है वो अपना टाइम के अनुसार से एंट्री करा के इन लोगों को एडमिट कार्ड में अपना इंस्ट्रक्शन देखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यदि एक मिनट ये लोग बोले कि दो बजे से एग्जाम है, एग्जाम दो बजे से एंट्री टाइम, लेकिन मैम जो यहाँ की प्रिंसिपल है जो मैम है वो बोलेंगी, वो लॉक करके अपना गई है अपने टाइम से, अब उसके मैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैडम मैडम को बुलाइए ना, मैडम आ सकती है ना, मैडम को बुला सकते हैं ना, खबर भेजा गया है सर। अच्छा ये बताइए मात्र दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए इन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, दो बजे से परीक्षा का एग्जाम का टाइमिंग है, तो कम से कम जान जाने तो आप लोग दे सकती है ना, हमारे हाथ में नहीं है ना भाई, आप लोग क्यों नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। देखिए आपकी छोटी बहन की तरह ये लोग है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेंगी, साल दो साल लेट हो जाएगा, ऐसे बताइए कहाँ की ये लोग रहेंगी। ठीक है तो बुला दीजिए मैडम को, बात कर लिया जाए कम से कम। देखिए गलती हम इनका नहीं बोलते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ की मैडम है ना, उनका जो है कि हालत भैया वो जो है कि हमेशा करती है और हर एक साल करती है, जो ये विद्यालय है देख सकते हैं हर एक साल करती है कि ये लोग जो है कि दो साल तैयारी करके यहाँ पे पढ़ने आती है, यहाँ पे एग्जाम देने आती है और उसके बाद मात्र दो मिनट लेट हो जाता है, तो देखिए इन सारी लड़कियों को उधर आप लोग होइए, मात्र दो मिनट लेट हो जाता है चार पांच लड़कियां, और सुबह वाले शिफ्ट में भी यहाँ पे 20-25 लड़कियां रो रही थी, चक्कर खा खा के गिर रही थी, लेकिन ये गेट नहीं खोला गया और उनको बहला दिया गया कि आपका एग्जाम अलग से हो जाएगा, अलग से डेट निकलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम में इंटर का हो, बोर्ड का एग्जाम हो, मैट्रिक का, कुछ नहीं ऐसा होता है। छूट गया तो छूट गया, इनका 2 साल बर्बाद हो गया, दो साल बर्बाद हो गया। क्या बोल रही हैं ये लोग समझ में आएगा 2 साल का बर्बाद क्या होगा कि क्या होगा? तो हमसे प्रिंसिपल मैम को बुला रहे हैं, वहाँ कहाँ रहे? कहाँ नहीं आए, तो मैंने बात करा, एडमिट कार्ड पे लिखवाना चाहिए ना कितने बजे एंट्री है। बच्चे टूर का ट्रैफिक जाम है, वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, 2 मिनट मात्र लेट हो जाता है तो क्या होता है भाई? खोल देना चाहिए इन लोगों को। पहला दिन है ना, एक मौका दिया जाए। वो वहाँ टीचर खड़ा था, वो बोला नहीं जाने देंगे, ये नहीं खोलने दिया। मैं एक बार इधर से ना उधर बस में एग्जैक्ट घड़ी की देखे 1:30 मैम यहाँ आ चुके हैं।